अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। नूरी काचा जुर्म की दुनिया का एक बहुत बड़ा नाम था। यह फिरोजपुर खुर्द का रिहायशी था। यह कत्ल, इकदामे कत्ल, डकैती और बहुत से जुराइम में पुलिस को इंतहाई मतलूब रहा। ना सिर्फ ये खुद बल्कि इसका पूरा ख़ानदान बहुत से जुराइम में मुलविस रहा। नूरी ने इश्तियारी होने के बाद अपना वक़्त अपने घर में ही गुजारा, लेकिन शेखुपुरा पुलिस ने कभी इसके घर पे छापा मारने की हिम्मत नहीं की। और जब भी पुलिस ने कभी हिम्मत की तो नूरी ने इतनी शिद्दत से जवाब दिया कि पुलिस को पीछे हटना पड़ा। 1985 में DSP इकरामुल्ला खान नियाजी को नूरी के मुतलिक इतला मिली, जिसके बाद DSP इकरामुल्ला, DSP रईस अहमद खान और दीगर बहुत से पुलिस अफसरान ने 17 सितंबर 1985 में फिरोजपुर खुर्द नूरी के घर पे छापा मारा। कहा जाता है कि इस वक्त नूरी के पास सिर्फ एक ही राइफल थी, जिससे DSP इकरामुल्ला शहीद हुए और उन्हीं की कलेशनकोप से नूरी ने पूरी रात पुलिस का मुकाबला किया, जिसके नतीजे में DSP इकरामुल्ला, DSP रईस अहमद खान, SHO अनारकली अदरीस और दीगर बहुत से पुलिस वालों ने शहादत नोश फरमाई और तकरीबन 100 से ज़ायद पुलिस अफसरान ज़ख्मी हुए। और बिल आखिर अगले दिन गोलियां ख़त्म होने की सूरत में नूरी काचा को मारा गया। इसे पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा पुलिस मुकाबला भी माना जाता है। तो व्यूअर्स, ये थी नूरी काचा की शॉर्ट स्टोरी। मज़ीद स्टोरीज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज़।